अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कहते हैं द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। नीचे जो हमें टेबल दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है कि जो चिल्ड्रंस है एक लोकेलिटी के, उनके जो डेली अलाउंस यानी कि डेली जो पॉकेट मनी उनकी है वो दी गई इसमें। द मेन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। देखा जाए इसका मेन जो है वो मेन निकाल के है, ओके, मेन निकाल के है इसका, लेकिन हमें क्या कहते हैं कि आप निकालिए मिसिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो हमें निकालनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो पॉकेट अलाउंस जो है, ये जो मनी है वो हमें दी गई है, लेकिन जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी जो है उसमें एफ, यहाँ पर एक जो डब्बा है इसमें देख सकते हैं आपके एफ है, जबकि एफ की जगह कोई और वैल्यू होना चाहिए। जो मिसिंग वैल्यू हमें निकालना है वही हमें क्वेश्चन में कहते हैं। चलिए करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमें क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मीन फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यूज द मीन फॉर्मूला, तो उसके लिए हम मीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और देखा जाए क्वेश्चन में हमें जो ₹18 जो है वो अलाउंस मीन पॉकेट अलाउंस वो भी दिया गया है। हियर द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट, हियर द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट, अगर वैल्यू हम देखेंगे मिड पॉइंट का, एक्स आई का जो हम कहते हैं वो हो गया मीन, मीन को एक्स बार से हम लिखते हैं इज इक्वल टू 18। द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट, जो हमारे मिड पॉइंट का वैल्यू है एक्स आई जो है जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, मीन हमारा बराबर है एक्स बार इज इक्वल टू 18, जबकि हमें इक्वेशन में दिया गया है, ठीक है ना, हमें इक्वेशन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल में जैसे कि सबसे पहले आप हम देख सकते हैं क्लास इंटरवल्स, जैसे कि इससे पहले भी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ओके, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल इस तरीके से नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जबकि जो हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है एफ आई। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बाद हम इसका एक्स आई देखेंगे, ठीक है ना, यानी कि हमारा मिड पॉइंट। उसके बाद एफ आई एक्स आई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन। सो क्लास इंटरवल अगर हम देखेंगे, सबसे पहले 11 to 13, अब जबकि 11 और 13 उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, ठीक है ना, 7 है। और मिड पॉइंट, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो इसका
अपर लिमिट होती है, ठीक है ना, अपर माइनस लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट है लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट प्लस होता है इन दोनों को, जब 13 प्लस हम करेंगे 11 तो वो बन जाएगा 24, डिवाइड बाय 2 करना है तो वहां से जो आएगा वो आएगा 12, ठीक। मैंने आपसे कहा है जब हमें एक्स आई निकालना होता है, एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, वहां से हमारा मिड पॉइंट निकलता है। अपर क्लास लिमिट 13 है, लोअर क्लास लिमिट 11 है, 13 प्लस 11 हो गया 24 डिवाइड बाय 2, जब हम 24 को डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो वहां से 12 आता है, ठीक है ना। देखो अपर क्लास लिमिट 13 है प्लस करेंगे लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, 13 एंड 11 हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, 2 1 आर 12 आर, तो वहां से 12 आया। यही जो 12 है हमारा मिड पॉइंट है पहले का, ओके। उसके बाद दूसरा 13 to 15, जो 13 to 15 है इसमें फ्रीक्वेंसी 6 की है, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम साथ में ही कर लेते हैं, जो हमारा एफ आई एक्स आई है, देखो एफ आई हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रीक्वेंसी, एक्स आई यानी कि मिड पॉइंट, इन दो को आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। 7, 12 जब हम आपस में मल्टीपल करते हैं तो वहां से वैल्यू आ जाता है 84। अब दूसरी की ओर 13, 15 क्लास इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसी 6 है, जब हम 15 एंड 13 करेंगे वो 28 बन जाएगा डिवाइड बाय 2 तो 14 आएगा, ठीक। जब हम 6 एंड 14 करते हैं वो भी 84 ही बन जाता है। उसके बाद है 15 to 17, और इसमें जो 9 है, 9 हमारा क्लास इंटरवल है और इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, 17 एंड 15 जब हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं वहां से आ जाता है 16, ठीक है ना, वहां से आ जाएगा 16। और जब हम 9 इंटू 16 करेंगे तो वहां से 144 जो है इसका फ्रीक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी इंटर जो हमारा मिड पॉइंट है वो आता है। नेक्स्ट वन जो हमारा है 17 to 19, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है। अब जबकि इन दो को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगा 18, ठीक है ना। अब जबकि हम 13 into 18 करेंगे, 13 into 18 वो उसका वैल्यू आ जाता है 234, ठीक है ना, 234 इसका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद है 19 to 21, जब 19 to 21 उस वक्त क्या है, एफ हमारे एफ है इसमें। अब इन दो को आपस में प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वहां से आ जाएगा 20, ठीक है ना, 20 आ जाएगा क्योंकि 19 and 21 प्लस 19 वो 40 बन जाता है डिवाइड बाय 2, जब 40 को डिवाइड बाय 2 तो वहां से 20 आएगा, 20 इंटू एफ वो 20 एफ ही रहेगा, ठीक है ना, 20 एफ ही रहेगा। अब नेक्स्ट वन जो है 21 to 23, और उस वक्त फ्रीक्वेंसी 5 है, जब हम इन दो को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वहां से आ जाता है 22, ठीक है ना, 22 आ जाता है, 5 into 22 वो 110 आ जाएगा, ठीक। एंड लास्ट वन इज 23 to 25, और उस वक्त फ्रीक्वेंसी है 4, जब 25 एंड 23 को हम करते हैं तो वहां से आ जाता है 24, और इनको आपस में मल्टीपल करने के बाद 96 आ जाता है, ठीक। तो इन टोटल अगर हम देखेंगे टोटल, ठीक है ना, टोटल हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जब हम इनको आपस में प्लस करते हैं
यहां पे मैं लिख के रखूंगा, ठीक है ना, वो बन जाता है हमारा एफ आई बन जाता है इसमें किसके बराबर, वो बन जाता है 44 प्लस एफ, क्योंकि एक तो इसमें 44 आ जाते हैं 44 और इसमें एफ भी आ जाता है, वो प्लस एफ हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। हम लिखेंगे जो हमारा एफ आई है वो 44 प्लस एफ के बराबर है। अब जबकि हमारा दूसरा है यहां से समेशन इसका, ठीक है ना, इसका सम अगर हम देखेंगे जो इसका सम है, सम यानी एफ आई एक्स आई का सम, वो इनको पहले तो हम प्लस करेंगे इनको, ठीक है ना, इनका प्लस जो आता है वो 752 के बराबर आता है, सेवन वो आ जाता है 752 प्लस, एक तो 752 आ जाएगा और 20f इनके साथ रहेगा, 20f यानी कि एफ आई एक्स आई वो 752 प्लस 20f, 20f ऐसे ही, और यहां से जो हमारी फ्रीक्वेंसी एफ आई 44 प्लस एफ रहेगी। अब हम आते हैं कि हम इसको अब मेन फॉर्मूला देंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि एफ हमें निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में इरेज कर लेता हूं। द मीन फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जबकि हम मीन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूज मीन फॉर्मूला, हम उस वक्त मीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो मीन फॉर्मूला इसमें है, मीन फॉर्मूला वो है मीन यानी कि एक्स बार बराबर है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, ठीक है ना, हमारा सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। तो यहां पर अगर हम देखेंगे जो हमारा एफ आई एक्स आई है, एफ आई एक्स आई हमारा है वो है 752 प्लस 20f डिवाइड बाई, और जो हमारा एफ आई है वो है 44 प्लस एफ, ठीक है ना। जब ये हमारे क्वेश्चन से जब हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल की मदद से हमने ये वैल्यूज निकाले, ठीक। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे हम अब इन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमें कौन से वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, ठीक है ना, एंड इक्वेट टू फाइंड द एंड इक्वेट टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वेट, एक तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज और इक्वेट हम करेंगे ताकि हम फाइंड कर सके क्या मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब यहां पे थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन रिलीज कर लेता हूं, ये आंसर इसका। अब देखिए मिसिंग नंबर हमें क्वेश्चन में वही से दिया गया था 18 के बराबर है, ठीक है ना, 18 के बराबर यानी कि वो 18 था इस इक्वल, और अगर हम देखेंगे यहां से जो मेन से हमें निकला है, ठीक है ना, मेन से हमें क्या क्या निकला है वो है 752 प्लस 20f डिवाइड बाय 44 प्लस f, ये सारा एरेज में कर लेता हूं। देखो 18 को हम अपनी जगह ऐसे लिखेंगे, ये 44 प्लस एफ जो है यहां से डिवाइड में है, जब हम इस इक्वल टू के यहां से लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी कि ऐसे 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20f को हम ऐसे रखते हैं,
उसके बाद 18 को 44 से जब हम मल्टीपल देंगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगा इसका 792 792 प्लस 18 इंटू एफ, वो 18F ही आएगा। उसके बाद इसको ऐसे ही 752 प्लस 20F। अब क्या करेंगे हम, ये 792 हम ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू के यहां से जो 752 है ये प्लस में है, जब इज इक्वल टू के यहां से लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 752। 20F ऐसे ही रखेंगे, ये यहां से 18F इन प्लस में है, जब हम यहां लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 18F। अब 792 को हम 752 माइनस करेंगे तो वहां से आएगा 40, और यहां से अगर हम देखेंगे 20F को माइनस 18F करेंगे तो वहां से 2F आएगा। 40 को आप भी ही जगह रखते हैं, ये 2F के साथ जो है ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इज इक्वल टू के यहां से लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाय 2, और F ऐसे ही। यहां पे थोड़ा सा कर लेते हैं, जब हम इन दो की कैंसिलेशन करेंगे 2 1 r 2 20 r, यानी कौन से 20 आया, एक तो 20 आया इज इक्वल टू f, या हम ऐसे लिख सकते हैं और f इज इक्वल टू 20, हमें f ही निकालना था, यानी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20, ठीक है ना, यानी कि हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f है, f वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आ गया, जो हमें इक्वेशन में कहा गया था कि आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो हमने निकाली। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, या मानिए।